से लोगों ने पुस्तक नहीं लिया है, ये बहुत बड़ा अपराध और लापरवाही है। साड़ी और पैंट के लिए रुपया आपके पास है और भगवान के लिए, ईश्वरीय लाभ के लिए 150 रुपए की आप लोग कंजूसी करते हैं, कितनी आसक्ति है पैसे में सोचिए आप लोग। आज के युग में 150 रुपए की क्या वैल्यू है? अरे एक साड़ी जो 1000 रुपए की खरीदती हो उसके बजाय 500 की खरीद लेना, काम चल जाएगा, शरीर ढकना है। पुस्तक क्यों नहीं लेते? हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग पुस्तक के बिना बैठे रहते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो रूप ध्यान कैसे करेंगे? कितना यहां बताया गया है कि मौन नियम का पालन करो। सारे जीवन तो तुम बोल रहे हो लगातार गंदी गंदी संसार की बातें, यहां 10 दिन 20 दिन महीने भर को आए हो, तो यहां का नियम है मौन नियम का पालन करो, कोई संसारी बात मत करो। अनंत जन्म तो बीत गए संसारी बात करते करते, क्या मिला? क्योंकि जब किसी का वाक्य सुनोगे तो उसका चिंतन होगा, उसी प्रकार का मन बन जाएगा, तो इधर कमाई करो और उधर गमाई होती रहे, वो खर्चा होता रह गया, चोरी चला जा रहा सामान। मैं BHU में बनारस में लेक्चर दे रहा था तो वहां के वाइस चांसलर थे जस्टिस भगवती, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी यूनिवर्सिटी में इसमें एक भिखारी ने थोड़ा सा 1 रुपए से भी कम पैसा दिया है, वो हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है। उसके पास जो कुछ था 10 आना 20 आना जो कुछ था सब दे दिया उसने, उसका नाम इतना बड़ा हो गया। और जिन्होंने 1 करोड़ में 1 लाख दिया वो कौन सा कमाल है? दान में लिमिट नहीं देखी जाती। तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुमने 1 रुपया दान दिया, और एक के पास 1 करोड़ है उसने 1 लाख दिया, दोनों का दान रुपए की लिमिट में नहीं देखा जाएगा, परसेंट की लिमिट में देखा जाएगा। अरे भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम्हें 10 लाख देना चाहिए था, 1 लाख क्यों दिया? जैसे संसार में इनकम टैक्स होता है गवर्नमेंट का, ऐसे भगवान के यहां भी टैक्स है। ये संसार भगवान का है, तुमने इसमें से इकट्ठा करके 1 करोड़ क्यों रख लिया अपने पास? दान करो, नहीं सस्तेनो दंड मर्हति। वेद व्यास कहते हैं अगर नहीं करोगे दान तो तुम चोर हो, तुमको दंड मिलेगा। और हम लोगों का यह हाल है कि अपने लाभ के लिए पुस्तक नहीं खरीद सकते। नुकसान हुआ करे, और संसार के मामले में लड़की की शादी कर रहे हैं, लड़के की शादी कर रहे हैं, और लाइट हो नाटक, लाखों की तो गिनती नहीं उसमें। अरे भाई शादी में कितना खर्च किया? महाराज जी ज्यादा नहीं किया, 12 लाख लगा। तो तुमने मंदिर में तो 12,000 भी नहीं दिया जो बन रहा है। हाँ महाराज जी देंगे 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 देंगे, अगले जन्म में देंगे। ये हम लोगों की बुद्धि का हाल है। अब कोई कह दे कि तुम बेवकूफ हो, भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान की चिंता करते हो, वो भी निरर्थक, तो बुरा मान जाए।